हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारे पास है TVS की एंटॉक, जो कि आज हम इसका टोटल केबल, जो कि एक्सेल का केबल भी कहते हैं इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं आसान तरीके से, इसको हम आपको आज दिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम इसका वाइजर को खोलेंगे। वाइजर खोलने के लिए यहाँ पे और यहाँ और दोनों तरफ और उसके नीचे भी स्क्रू है और 8 नंबर का बोल्ट भी लगा हुआ है। और हम इसका नोज को खोलेंगे, जो कि इसका फ्रंट पैनल भी कहते हैं। उसके बाद सीट देखिए, सबको ओपन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका वाइजर ओपन कर लेंगे। ये देख रहे हैं यहाँ नीचे में 8 नंबर का बोर्ड लगा हुआ है इस साइड में, और इस साइड में भी है एक, उसे भी खोलेंगे। तो अभी हम इसका नोज को खोलेंगे, जो कि फ्रंट पैनल भी कहते हैं इसको। इसके लिए दो बोल्ट खोलना पड़ेगा। इसको खोल दिया हमने, देखिए। और यहाँ वाइजर के नीचे है, इसलिए खोलेंगे। इसके बाद इसका वाइजर को निकाल लेंगे। देखिए, हमने इसके वाइजर को ओपन कर लिया है। तो इसका इंडिकेटर का कपड़ा खोल के इसको टाइप कर लेंगे हम। तो इसका जो टोटल ग्रिप है, इसको खोलने के लिए ऊपर में एक कैप और नीचे में भी कैप है। उसके लिए एक लंबा सा स्क्रू है जो 8 नंबर कट रहे थे। इसके बाद इसके पीछे भी एक स्क्रू लगा हुआ होता है, उसको भी खोलेंगे। तो खोलने के बाद इसका कैप निकलेगा बाहर। देखिए, हमने इसका दिया। देखिए, इसका ऊपर का कैप निकल गया है। अटक चुका है, देखिए अंदर से टूट गया है। 20 में से टूट गया ये। तो इसका सीट ओपन करेंगे, इसका डिक्की ओपन करेंगे। इसका डिक्की खोलने के लिए ये यहाँ पे तो 10 नंबर का बोल्ट है, तो उसे भी खोलेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ताकि आपको मालूम चले कि कैसे इसको केबल को चेंज करते हैं आसान तरीके से। तो देखिए, यहाँ पे इसको खोल दिया है। और अभी यहाँ पे 3 सॉकेट है, एक चार्जिंग का, एक डिकी लाइट का और एक बैकअप एडाप्टर का है। तो तीनों को हम खोल लिया। यह है इसका एक्सेलेटर केबल, 12 नंबर का साइज है। साइज से इसका बोल्ट को खोल लेंगे। देखिए, इसको खोलने के लिए ये देखिए बीच में से टूटा था, ये वाला निकाल दिया हमने। इसका केबल को निकालने के लिए इसको खोलने के लिए यहाँ पे एक पुश लॉक है। इसमें इसको भी खोल लेंगे। ये देखिए, निकाल दिया। अभी यहाँ पे स्क्रू है, हम इसका फुटरेस्ट भी खोल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो केबल है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो पुराना केबल है, नया केबल के साथ इसको तार से जोड़ेंगे और ऊपर से खींच लेंगे इसको, ताकि आसानी से ऊपर आ जाए। तो देखते रहिए जैसे हम इसको बांध के इसको खींचते हैं। देखिए, हमने इसको बांध दिया है, ऊपर से खींच लेंगे। स्क्रू ड्राइवर
दोस्तों देखिए, हमने इसका केबल नीचे से खींच लिया है, तब इसका तार को हम खोल देंगे। ये पुराना वाला केबल है, इसको हम निकाल देंगे। ये नया केबल जो कि हम इसको वहाँ से खींच लेंगे। दोस्तों हमने इसको निकाल दिया है, ये का केबल है, इसको अंदर से डाल देंगे ऊपर तक। ये देखिए आ गया, ये जो केबल है, ये बारह नंबर का नट को हम ढीला कर लेंगे और उसके बाद टोटल टोटल बॉडी में इसको हम लगाएंगे। ये देखिए, हमने बारह नंबर का जो नट है इसको टाइट कर लिया है। सबसे पॉइंट है, इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अरे अपने पूरे तो पुराना है, हमने लगा दिया इसको। ये वाला जो बोल्ट है, तो दोस्तों सामने सारा कवर वगैरह लगा लिया इसका, जो कैप है तो लगा दिया। ये देखिए अभी हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी खींच रहा है, देखिए। तो इसको अभी स्टार्ट करके देखेंगे। तो चाबी ऑन कर लिया है, फुल हो गया, उसको सेल्फ स्टार्ट कर लिया। ये देखिए स्टार्ट हो गया है। अभी हम सारे पार्ट्स को फिटिंग कर लेंगे, जैसे जैसे खोला था वैसे ही लगा लेंगे। और मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।